हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू सर्वाइवल सीरीज एपिसोड 23। इस एपिसोड में हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। मेन गोल हम लोग आज डायमंड्स ढूंढना, जैसे मैं शॉर्ट्स में बोलता हूँ। हम लोग अपना हेलमेट, हम लोग का चेस्ट प्लेट वापस बनाना है, सब कुछ टूल्स बनाना है, तो हम लोग को उतने डायमंड्स लेके आने हैं। तुम लोग को अगर पता होगा, ये वर्ल्ड में हम लोग ने डायमंड्स बहुत इजीली ट्रिक की मदद से लिया था और वो ट्रिक अभी भी काम करता है, बट हम लोग वो ट्रिक यूज नहीं करेंगे और ट्रेडिशनल माइनिंग करेंगे। आई थिंक सो, मेरे पिकैक्स एक नंबर, एफिशिएंसी 4 और अनब्रेकिंग 3, मोर देन ऑफ दो इंपॉर्टेंट चीज। ओ, मेरे को फॉर्च्यून चाहिए। लेट्स सी हम लोग के घर पे फॉर्च्यून है कि नहीं, अगर रहेगा तो मैं लगवा लूंगा। बाकी अगर जो भी हम लोग को एक्सपी क्या बोलते हैं, हम लोग को कौन सा भी अगर बुक लगाना है ना, हम लोग देख सकते हो, तो हम लोग उसके लिए लेवल चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, गोल्ड फार्म जाता हूँ। तुम लोग को अगर याद होगा, जो हम लोग का गोल्ड फार्म है, हम लोग ने उसको रिसेंटली बनाया था और फिर भी हम लोग इतना यूज नहीं किया, तो हम लोग उससे एक्सपी वो सब भी लेते। तो हम लोग इधर ऊपर आ गए, तुम लोग देख सकते हो, इधर से आए हम लोग। अभी हम लोग को ऊपर जाना है। आई थिंक इधर लैडर लगाया होगा मैंने, अगर बनाया था वो मैंने नहीं लगाया था। आई थिंक मेरे पास तभी इलाइट्रा में बहुत ज्यादा यूज करता था। हम लोग डायरेक्टली ऊपर चलते हैं। 3, 2, 1 एंड आई एम हियर। नाइस। दो सेकंड, मैं भूल गया, ये फार्म को ऑन करना पड़ता है। आई हैव नो आइडिया, हो सकता है ना करना पड़े। प्लीज, द मोस्ट अनोइंग पार्ट, ये गोल्ड स्वॉर्ड्स मुझे नहीं चाहिए। दो सेकंड, मेरे पास बहुत ज्यादा नगेट्स है इधर। वो आ रहे, आना चालू भी हो गए। नाइस, सो ये फार्म ऑटोमेटिकली काम करता है। वो मेरे को ये वाला पोर्टल यूज करना चाहिए, आई फॉरगॉट। सबसे पहले हम लोग 52 गोल्डन कैरेट्स बना सकते हैं, विच इज प्रीटी गुड। हम लोग अभी अनलिमिटेड फूड हो गया। शायद हम लोग मारेंगे तो फिर एक्स्ट्रा स्पॉन होंगे जल्दी जल्दी, शायद इसके लिए स्वीपिंग अच्छी रहता है। वो एक्सपी तो भर भर के मिल रहा है। मेरे को पता है दिस एरिया इज वे टू लाउड, और तुम लोग को पता है अगर मैं खड़ा रहूंगा ना उधर, तो भी मेरे को क्या बोलते हैं, उन लोग का लूट मिलते रहेगा, बिकॉज उन लोग एक दूसरे को क्रैम करके मार दे रहे हैं। मुझे यही बताने का था कि हम लोग के पास अभी अनलिमिटेड फूड हो गया, अभी हम लोग को डायमंड्स चाहिए, और मैं 30-35 लेवल्स लेके जा रहा हूँ, बिकॉज मेरे को इलाइट्रा पे लगाना है और बहुत कुछ हील भी करना है। दिस गोल्ड फार्म इज वे टू ओपी यार। चलो, मैंने भी 35 लेवल कंप्लीट कर लिया, मेरा इन्वेंटरी पूरा भर गया है। एक काम करते हैं, इधर से ओवरवर्ल्ड में चलते हैं और ये देखते हैं ये वाला पोर्टल किधर लेके जा रहा है हम लोग को। अच्छा, कि ये वाला एरिया है राइट। सबसे पहले मेरे को एक लावा बकेट चाहिए यार, और मैं ये वाला लावा बकेट उधर लेके जाऊंगा नेदर में। इधर से मेरा घर शायद ये वाले डायरेक्शन में, तो 3, 2, 1 And I'm out. हम लोग अपने घर से सिर्फ आयरन फार्म के इधर जाना है। टू इजी यार। अभी हम लोग सबसे पहले घर जाके सो जाते हैं। अभी इलाइट्रा पे अनब्रेकिंग 3 लगा देते हैं, शायद इधर एक एनविल होगा राइट। अनब्रेकिंग 3। मेरे को ये वाले चेस्ट में अभी 3 एमरल्ड मिला, सो आई हैव एन आइडिया। हम लोग एक मेंडिंग का बुक खरीदना है। प्लीज मेंडिंग का बुक, यस यस यस, हम लोग खरीद सकते हैं। अभी ये मेंडिंग में इलाइट्रा पे लगा सकता हूँ, और इसके बाद फिर हम लोग माइनिंग चल सकते हैं। नीचे आ गया, अभी हम लोग को इलाइट्रा मेंडिंग एंड वी आर डन। अभी मैं इसको इधर पहन सकता हूँ, एंड आई थिंक सो दैट इज मोर ड्यूरेबल, आई हैव नो आइडिया। चलो, सबसे पहले माइनिंग के लिए हम लोग अपने केव में जाते हैं। जिन लोग को याद होगा, हम लोग केव किधर है, हम लोग केव बहुत वियर्ड जगह पे। वो सबसे पहले मैं मेरा इन्वेंटरी खाली करके आता हूँ। फ्लिंट एंड स्टील बना लिया मैंने, ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, नहीं तो मेरे घर पे भी एक मेस होते जा रहा है। तो अभी मैंने सब कुछ जला दिया। तुम लोग, मेरे पास पता है एक आइडिया, ये जो रॉटन फ्लैश है ना, मेरे पास भर भर के रॉटन फ्लैश है, तो जितना भी मेरे पास रॉटन फ्लैश है, मैं इसको बेच सकता हूँ एक क्लेरिक को। सो आई कैन डू दैट, आई विल डू दैट एक्चुअली। तो इसलिए भी मैंने सब कुछ अंदर रख दिया, चेस्ट प्लेट ये सब ठीक है, एंड आई थिंक सो वी कैन गो माइनिंग, लेट्स गो। ओ, फॉर्च्यून 3, यस यस यस, मेरे को अभी जाके याद आया, हम लोग को चाहिए फॉर्च्यून 3। तेरे पास है फॉर्च्यून? वेदर फॉलिंग अनब्रेकिंग। तो अभी तक फॉर्च्यून इधर नीचे वाले इसके पास नहीं है, हम लोग अभी दूसरे इधर नीचे जाके देखते हैं। मेरे को लग रहा है किसी ना किसी के पास तो फॉर्च्यून 3 था। फॉर्च्यून 2 भी चलेगा। फॉर्च्यून प्लीज, प्रोटेक्शन 3, ओके गुड। दो सेकंड, तू कौन है? एफिशिएंसी 4 है इसके पास, और नॉकबैक 2 है, शार्पनेस 5, लूटिंग 3। अच्छा, अपने पास फॉर्च्यून नहीं है, लूटिंग 3 है। अगर तुम लोग को याद होगा, हम लोग ने एंड सिटी का चेस्ट है, तो हम लोग के पास एक एक्स्ट्रा पिकैक्स है। सो हम लोग के पास 3 डायमंड्स भी है, सो वी कैन क्रिएट एन एक्स। आई कैन डू दैट, आई विल डू इट राइट नाउ। तो मैंने स्टिक्स बना लिया, हम लोग एक एक्स बना लेते, बिकॉज हम लोग के पास नहीं है, तो एक्स भी आ गया अभी हम लोग के पास। नेक्स्ट चीज, हम लोग, तुम लोग देख सकते हो, मेरे पास दोनों सिमिलर ही पिकैक्स है, तो मैं एक पिकैक्स को शफल कर रहा हूँ और उस पर फॉर्च्यून 3 लगाने का ट्राई करता हूँ। अगर मैंने फॉर्च्यून 3 लगा दिया ना कैसे भी, देन इट विल बी द बेस्ट। चलो, अभी ये मेरा प्राइमरी पिकैक्स है, बट अगर फॉर्च्यून 3 मिल गया वो अच्छा रहेगा, देन दैट इज वे बेटर। ओके, तो अभी जाके मेरे को सबसे पहले टेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग लेवल लेके आते हैं, और आई थिंक सो 36 लेवल इज मोर देन इनफ। मैंने अभी इन लोगों को मार के 36 लेवल ले लिया है। चलो घर वापस चलते जल्दी जल्दी। सो आई एम रेडी फॉर एन्चेंटिंग, लेट्स गो। तो मैं भी नीचे से लैपिस भी लेके आया, लेट्स टेस्ट प्लीज फॉर्च्यून 3। नहीं, हम लोग को वापस से सेम मिल गया, लेट्स ट्राई इट अगेन। एफिशिएंसी 4, सिर्फ एफिशिएंसी 4 मिल गया, दिस इज सो अनफेयर। प्लीज फॉर्च्यून 3, यस Yes, we did it. We actually did it. हम लोग Fortune 3 मिल गया। Let me check again. Yes, we got Fortune 3. Now this is our secondary pickaxe and this is our main pickaxe. अगर तुम लोग new हो series में, तो तुम लोग को पता नहीं होगा कि ये जो मेरा villager का ये है, यही मेरा mine है। इधर नीचे कितना बड़ा है, देख रहे हो तुम लोग कितना नीचे तक है। हम लोग अभी -58 लेवल में माइन करते जाना है, एंड लेट्स सी हम लोग को कितना डायमंड्स मिलता है। तो अभी मेरे को इधर थोड़ा बहुत कोल दिखाता, तो मैं उससे भी एक काम कर लेते हैं, हम लोग टॉर्चेस बना लेते हैं, और ये टॉर्चेस बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। मैं ये रहा हूं, मैंने टॉर्चेस लाया क्यों नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को एटलीस्ट थोड़ा बहुत वुड लेके आ जाना चाहिए था, बिकॉज मेरे को पता है इधर नीचे भर भर के कोल होता है। मेरे पास फॉर्च्यून 3 भी है, सो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कोल राइट नाउ। इधर भी इतना भर भर के कोल है, इतना बड़ा वेन है। चलो ये सब कुछ लेते हैं और देखते हैं अपने पास कितना कोल बचेगा। अभी हम लोग 47, माई गुडनेस 47, इतने इससे। ऑफकोर्स मैं भूल जाता हूँ, मेरे पास
फॉर्चून 3 है। चलो अभी के लिए 24 टॉर्चेस प्लेस करते हैं, थोड़ा बहुत माइन करते हैं, और अगर खत्म हो गया तो फिर हम लोग ऊपर जाके लेके आते हैं। ओ मेरे को इधर लैपिस भी दिख गया, पता ये अच्छा क्यों है? बिकॉज मेरे पास फॉर्चून 3 है, मैं वापस बता रहा हूँ। मैं कितना फ्लेक्स कर रहा हूँ तुम लोग, मेरे को 64 इन वन स्टैक, एक स्टैक एक, मतलब दैट इज अ लॉट। अभी हम लोग अपना वाई लेवल चेक कर लेते हैं, बिकॉज अभी मैं इधर आया नहीं हूँ ज्यादा। -40 ओके चलो -54 तक चलते हैं, -58 सॉरी। ओ नो, हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं जैसे ही इधर तक माइन करके आया मेरे को मिल भी गया डायमंड्स। आई हैव नो आइडिया ये कितने का वेन है, बहुत बड़ा वेन है, बहुत ज्यादा बड़ा वेन है। माय गुडनेस, डोंट इवन टेल मी, मेरा पूरा आर्मर हो जाएगा। एंड दैट्स इट। मैं ऐसे हेलमेट भी बना सकता हूँ और साथ में मेरे को चेस्ट प्लेट बनाना है। सो आई थिंक मेरे पास मोर देन इनफ है। मैं माइनिंग करूँ कि नहीं, दो सेकंड, और इसके बाद क्या बनाने करेगा मैं चेक कर लेते हैं। इसके बाद मेरा हो भी बन जाएगा, मैंने अगर एग्जैक्ट गिना तो इसके बाद मेरा हो, चेस्ट प्लेट और हेलमेट तीनों बन जाएगा। आई डोंट थिंक सो, मेरे को उससे ज्यादा डायमंड्स चाहिए। एम आई डन हियर? एम आई एक्चुअली डन? I thought ये एपिसोड बड़ा बनेगा, बट कुछ नहीं, वैसे भी हम लोग को ये इक्विपमेंट पहनना है, उसके बाद हम लोग को बहुत सारे एडवांसमेंट्स भी कंप्लीट करने हैं। चलो वो करते हैं, चलो वो ऊपर आके जल्दी जल्दी सो जाते हैं। मैंने एक चीज सोचा नहीं, मेरा डे कितना हुआ? डे 326, दैट इज क्वाइट कूल। इतना ज्यादा दिन हो गया हम लोग खेलते खेलते। सबसे पहले हम लोग को क्राफ्टिंग टेबल चाहिए और सब कुछ बना लेते हैं। सबसे पहले एक हेलमेट, उसके बाद हम लोग को एक चेस्ट प्लेट, तो हम लोग अभी फाइनली पूरा डायमंड आर्मर पहन सकते हैं। इसके बाद हम लोग को दो स्टिक चाहिए, देन हम लोग ये बैम बैम, वी डिड इट, हम लोग एक हो भी बना लिया। सो आई थिंक सो हम लोग का मेन गोल तो हो गया ये वीडियो का, बट फिर भी हम लोग अभी भी अचीवमेंट्स कंप्लीट करने वाले हैं। सो स्टिक टिल द एंड। सिर्फ हम लोग के जो स्वॉर्ड के एन्चेंटमेंट्स है और ये पूरे आर्मर के एन्चेंटमेंट्स है, हम लोग अपने नेक्स्ट एपिसोड में सब कुछ कर देंगे, और फिर उसके भी नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग नेदरराइट भी ले लेंगे। पिछले वीडियो में इतना सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू, शेयर भी करते रहना अपने दोस्त लोग के साथ। चलो सबसे पहले एडवांसमेंट देख लेते हैं, अभी हम लोग कौन सा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई थिंक हम लोग एंड या फिर नेदर में से कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग का क्या है, ब्रू अ पोशन। वाह, हम लोग ने अभी तक ये नहीं किया है। डिस्ट्रॉय अ गैस्ट विद अ फायरबॉल, ओ रिटर्न टू द सेंटर भी कर सकते हैं हम लोग। यूज अ कंपास ऑन अ लोडस्टोन, वी कैन डू दैट। सबसे पहले एक जल्दी जल्दी पोशन बना लेते हैं, और पिगलिन को गोल्ड से डिस्ट्रैक्ट करना है, हमने ये भी नहीं किया। ऑब्टेन क्राइंग ऑब्सीडियन, हमने ये भी नहीं किया, व्हाट? चलो ये तीन एडवांसमेंट करते हैं, ब्रू अ पोशन। तो अगर तुम लोग को पता होगा हम लोग को पोशन क्राफ्ट करना है, बट हम लोग को ये चैनल पे, हम लोग को ये वर्ल्ड में, एक्चुअली हम लोग को ये वर्ल्ड में कभी भी नेदर वॉट नहीं मिला, तो उसके लिए हम लोग एक ही पोशन बना सकते हैं, पोशन ऑफ वीकनेस। तो उसके लिए हम लोग एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाना पड़ेगा, और ये फर्मेंटेड स्पाइडर है जैसे हम लोग डालेंगे तो हम लोग शायद एक पोशन ये बना सकते हैं, तो शायद हम लोग का एडवांसमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेट्स सी, ब्रू अ पोशन, लेट्स सी होपफुली। उसके बाद ऑब्टेन क्राइंग ऑब्सीडियन, उसके बाद और डिस्ट्रैक्ट पिगलिन विद गोल्ड। मेरे पास क्राइंग ऑब्सीडियन है, आई कैन गारंटी दैट, आई थिंक। ओ एक और था, ऑब्टेन अ ड्रैगन एग और होल्ड, यस, मेरे एक क्वेस्ट हो गया, द नेक्स्ट जनरेशन विच वॉज होल्ड द ड्रैगन एग। तो हमने लोकल ब्रूवरी वाला भी कर लिया, जैसे हम लोग ने एक पोशन ब्रू किया विच इज क्वाइट कूल, हम लोग ने पोशन ऑफ वीकनेस बनाया। आई डोंट थिंक सो मुझे इधर ये वाले साइड में पिगलिन दिखेगा, आई हैव एन आइडिया, मुझे शायद ये वाले साइड दिख सकता है, बिकॉज इधर शायद एक क्रिमजन बायो में या फिर वॉब्ड फॉरेस्ट है। ओ यस, इधर वॉब्ड फॉरेस्ट है, तो इधर होपफुली मेरे को एक पिगलिन दिख जाना चाहिए। लेट्स ट्राई, ओ पिगलिन सामने ही है, डिस्ट्रैक्ट हिम विद गोल्ड, यस, ओ शाइनी वाला हम लोग का एडवांसमेंट कंप्लीट हो गया, डिस्ट्रैक्ट पिगलिन विद गोल्ड। द लास्ट थिंग, क्राइंग ऑब्सीडियन ऑब्टेन करना है, क्राइंग ऑब्सीडियन, इन लोग के पास भी चांस रहता है। I forgot. हम लोग इन लोग को दे सकते जिसपे इन लोग क्राइंग ऑब्सीडियन ड्रॉप करेंगे। Let's try. मेरे पास अभी लास्ट दो गोल्ड बाकी है, इधर पिगलिंस दिख रहे हैं मेरे को, इन लोग पे ट्राई करके देखते एक बार। हेलो मेट, प्लीज ट्रेड कर लो, प्लीज, वेरी शाइनी गोल्ड प्लीज, नहीं तो उसके बाद आपको मरना ही पड़ेगा। यस, व्हाट आर द ऑड्स, मेरे को सिर्फ क्राइंग ऑब्सीडियन चाहिए था, यू आर सो कूल डूड, दो बार उसने दिया क्राइंग ऑब्सीडियन, मैं तेरे को नहीं मारूंगा, तेरा सम्मान सत्कार होना चाहिए तेरा, और उसने उसके बाद भी नहीं मारा मेरे को, व्हाट अ मैन ऑफ ऑनर। हम लोग को एकदम अच्छे से इधर आना है, लेट्स गो इनसाइड, मैन दैट वाज कूल, वी डिड एवरी सिंगल अचीवमेंट, आई प्रॉमिस्ड। अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, बेबू ऑफिशियल, एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। चलो बाय।